नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं बीजेपी में दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इन सब के बीच बीजेपी को आने वाले दिनों में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं बिहार में बीजेपी को किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में राजग एक बार फिर से सरकार बनाने में सफल हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं, लेकिन एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। वहीं जदयू के सीटों में कमी आई है। अब बिहार में सियासी समीकरण बदल गए हैं। बिहार में एक बार फिर से राजद को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिली, तो वहीं बीजेपी को 74 सीटें मिली। इसके बाद जदयू को 43 सीटें मिली हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव जितने नजदीक आते जा रहे थे, राजनीतिक पार्टियों में हलचल सबसे ज्यादा तेजी थी। अब जब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, तो नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। इसके बाद भी बीजेपी के सामने खतरे की घंटी बनी हुई है। बीजेपी के कुछ नेता का मानना है कि महागठबंधन को एक बड़े ग्रुप का समर्थन मिला है, जो कि एनडीए से भी बड़ा है, और यह बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है। बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में शिरकत करने वाले एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि गैर यादव हिंदू वोटरों ने बीजेपी और जदयू को बता दिया कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि राजद के ऐसे प्रदर्शन के बाद यह मान लेना भूल होगी कि गैर यादव और गरीब हिंदू वोटर्स भविष्य में राजद के साथ नहीं जा पाएंगे। आपको बता दें कि राजद का 2010 में वोट शेयर 19% था, जो कि अब बढ़कर 23% से भी ज्यादा हो गया है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले राजद इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। बिहार में बीजेपी भले ही 74 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हो, लेकिन बिहार में उसका यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं है। इससे पहले यानी कि साल 2010 में पार्टी ने जदयू के साथ चुनाव लड़ा था और 102 में से 91 सीटों पर जीत दर्ज की थी। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पार्टी नेता 2010 और 2020 की तुलना को गलत मानते हैं। उनके हिसाब से 2020 पर कोरोना का असर था और प्रवासी मजदूरों का मामला गर्म था। बीजेपी नेताओं ने कहा कि 3 बार से एनडीए की बन रही सरकार से जनता के बीच में एंटी कन्विंसिंग था, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जीत नहीं सका। यह एनडीए को मिल रहे समर्थन को दिखाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी को यह लगने लगा कि प्रदेश में नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल है, तो बीजेपी ने महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को अपील करना शुरू कर दिया, जिसका यह परिणाम हुआ कि एनडीए को जीत मिली और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। बीजेपी ने जब डिप्टी सीएम के लिए जिन दो चेहरों पर अपनी मुहर लगाई, उसमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का नाम आया। बीजेपी भी चुनाव के समय किए अपील के अनुसार महिला और ईबीसी को बिहार में एक मुख्य पद दिया। सुशील कुमार मोदी को बिहार की राजनीति से इसलिए बाहर किया गया ताकि वे इन दोनों नेताओं को ओवरशैडो न कर पाए। बीजेपी राज्य में अपने इन नए चेहरों को सींचना चाहती है, ताकि बिहार में नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का राजनीतिक वजूद मिलता रहे। बीजेपी के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस में दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि लालू यादव और उनकी राजनीति ने बिहार में कम्युनिस्टों को हाशिए पर ला दिया था, लेकिन उनके बेटे ने उनमें जान फूकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारे सामने यह एक चुनौती होगी। अब बीजेपी को राजद के साथ ही वाम दलों को लेकर भी विचार करना होगा कि आने वाले दिनों में वे किस से कैसे निपटते हैं। बिहार से जुड़ी ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।